सच साहस सरोकार। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग आज, बतौर अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के आसार, चुनाव की रणनीति भी बनी। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा, जालंधर के भोगपुर में टी ब्रेक के लिए रुके राहुल गांधी, सिक्योरिटी के चलते बदला गया समय। पंजाब को साधेंगे अमित शाह, 29 जनवरी को पटियाला में रैली, राहुल गांधी की यात्रा में डैमेज को कंट्रोल करेंगे। अमेरिका में बाढ़ से तबाही, लगानी पड़े इमरजेंसी, 19 की मौत, 2 लाख करोड़ का नुकसान। पाकिस्तान पीएम का कबूलनामा, शहबाज शरीफ बोले, एक भी ताकत होकर भीख मांगना शर्मनाक, सऊदी यूए में बहुत मदद। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। गाजियाबाद के खोड़ा में केंद्र सरकार की तरफ से पात्र गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाए गए हैं और उनका वितरण साहिबाबाद विधानसभा के विधायक सुनील शर्मा द्वारा किया गया है। इन कार्ड में गरीब लोग और उनके परिवार के 5 सदस्य तक 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज चिन्हित अस्पतालों में करवा सकेंगे। वहीं 256 आयुष्मान कार्ड आज एक कार्यक्रम में वितरित किए गए हैं। नेताजी लेंगे, क्या करके बैठ सब ले लेंगे सब। हाँ, अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सतीश है और गुप्ता हॉस्पिटल का CMD में हूँ और मेरे द्वारा हॉस्पिटल की सारी कार्य व्यवस्थाएँ देखी जाती हैं और मैं यहाँ का CMD हूँ। जैसा कि आज प्रोग्राम में विधायक जी यहाँ पर आए, माननीय सुनील का शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड वितरण किए गए हैं, क्या कुछ इसका लाभ मिलेगा जनता? जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, लगभग सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हम लोग पूरी भारत सरकार का स्कीम है और ये बहुत अच्छी स्कीम है। गरीबों को इससे उधार होगा, गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि इलाज करा सके, तो 5 लाख की जो राशि दी जा रही है तो इससे गरीबों को बहुत राहत मिलेगा और ये कहाँ तक चलेगा ये तो भविष्य बताएगा। जैसा कि खोड़ा कॉलोनी, यहाँ पर लोग बीमार कम हो रहे हैं, पानी की समस्या ज़्यादा रहती है, हाँ, पर क्या विचार है? मैं आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि खोड़ा में पानी के लिए त्रस्त रहे लोग, पानी की व्यवस्था किया जाए। और विधायक जी को मैं कहना चाहूँगा, बीके सिंह सांसद जी को, अभी और भी लोगों के कार्ड यहाँ बनाए जाने हैं, जो BPL कार्ड धारक हैं, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, सरकार की योजनाओं, ऐसे सभी लोगों को आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत कवर करने की है, उनको कार्ड दिए जाने का व्यवस्था की जा रही है। इसकी सुविधाएं लोग कैसे उठा पाएंगे? इसके लिए सभी हॉस्पिटल पंजीकृत हैं, उसमें कोई भी जाएगा अपना गोल्डन कार्ड दिखाएगा तो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इससे वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिल रही है, बड़ी सहायता मिल रही है, जो लोग अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर हत्या की घटना का खुलासा करते हुए हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि साथ बैठकर शराब पीने के दौरान और शराब लाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी में मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी। सर, आज मोदी नगर में एक हत्या हुई है, इस संबंध में क्या जानकारी? सर, आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि तिबड़ा रोड में गन्ने के खेत में एक शव बरामद हुआ है, जिसका मोदी नगर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई, जो कि नंद नगरी मोदी नगर का रहने वाला है। और जब इसमें हमने आगे की कार्रवाई की तो अभियुक्त गौरव का नाम सामने आया, जो कि राकेश का जानने वाला था। और गौरव ने पूछताछ पर बताया कि पिछली रात उन्होंने उसी गन्ने के खेत में दोनों ने बैठकर शराब पी थी और
संभल के असमोली विकास खंड के गांव मढ़न में गंदगी व जल भराव से लगातार बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव पर जल भराव एवं साफ सफाई नहीं करवाते हैं। गांव के लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर है। खास बात यह है कि जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की, तो ग्राम प्रधान ने लगभग 4 महीने से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही साफ सफाई की। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये गंदगी जो हो रही है यहाँ पे गांव में, पानी जो भर रहा है, ये कब से है? ये करीब ऐसा मानो जी 8 महीने के करीब हो गई है। अच्छा, तो इसके कहीं कोई निकास वगैरह नहीं है? निकासी निकास सीधा ही है, ये सामने को टीगढ़ की तरफ रोड पर पहले। अच्छा, यहाँ तो बंदा लगा दिया मालिक ने, बोले मेरे खेत में पानी जा रहा है। अच्छा, तो आपने ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत करी? नहीं करी। क्या कहा उन्होंने? गुस्सा भी नहीं खुला हमने, कही ना होगी कुछ, हमने बहुत कही, हमने कही कर दो, हम 10 बार कही। तो अब क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी यही आ रही है, अपने नाले जाम है और बाल बच्चे भी गिर रहे हैं और निकलने वाली है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मुबारक हमसे जुड़ेंगे। मुबारक, गांव में गंदगी और जल भराव का मामला सामने आया है, लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसकी लापरवाही देखी जा रही है? मैं आपको बता दूं, जनपद संभल के असमोली विधानसभा क्षेत्र का पूरा मामला है, मढ़न का पूरा मामला बताया जा रहा है और असमोली विकासखंड का है ये पूरा मामला। और जो ग्राम प्रधान और सचिव टीम बनने में अपने लगे पड़े हैं और पूरी साफ सफाई नहीं हो रही है और गंदगी के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों के लिए। और दूसरी तरफ जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो लाख दावे कर रहे हैं विकास को लेकर और साफ सफाई को लेकर, और योगी के दावों को पलीता लगा रहे हैं ग्राम प्रधान और सचिव और अपनी जेब भरने में लगे पड़े हैं। मुबारक, ये बड़ा मामला है, लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? विकासखंड अधिकारी से बीटीओ से हमने तो बातचीत की थी, बातचीत करने के बाद हमारे उन्होंने बताया हमारे संज्ञान में आया पूरा मामला आपके द्वारा और ये ऐसे लीड पर पूर्ति करते हुए नहीं रहे हैं बीडीओ कमल और जिला अधिकारी मनीष मंजल लाख दावे कर रहे हैं और फिर भी लाख दावे फेल नहीं आ रहे हैं यूपी के संभल में। और अधिकारी एक बार मामला सामने न आया तो कई बार मामला सामने आया जो अधिकारी लापरवाही सामने कर रहे हैं। जी, धन्यवाद मुबारक तमाम जानकारियों के लिए। लखीमपुर खीरी में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने डिंपल यादव का जन्मदिन केक काट कर मनाया। डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही गरीब को पूर्व जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल और समाज सेवी मोहन वाजपेयी ने मिलकर गरीबों को केक खिलाया और इस भीषण ठंड में कंबल भी बांटे। वहीं डिंपल यादव के लिए लंबी उम्र की कामना की। आज का शेड्यूल ये रहा कि सुबह दरवाजे पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, प्रतिदिन आते ही रहते हैं, ईश्वर की दया है भोलेनाथ माता रानी की। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी हमारी नेता डिंपल यादव जी का जन्मदिन है, जिन्होंने अभी जो एक वो उपचुनाव में जिन्होंने एक ऊर्जा दी है, वो उपचुनाव एक देश को उसने संदेश दिया है, वो माननीय सांसद जी का जन्मदिन है। और हम सब कार्यकर्ताओं की विनती है महादेव से कि वो लंबी आयु उनको मिले और वो स्वस्थ रहें। उसी के परिप्रेक्ष्य में जैसे हम लोगों का ये टी स्टॉल चल रहा है, निःशुल्क टी स्टॉल समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, लगभग एक सप्ताह का ये है, आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। बुलंदशहर के नरौरा से रेलवे रिश्वत कांड में कॉन्ट्रैक्ट हरी ओम गिरी की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। बता दें कि 1997 बैच के भारतीय रेल सेवा के अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह और ठेकेदार हरी ओम गिरी सहित 6 अन्य लोगों को 50 लाख की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र गुवाहाटी से अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधन के पद पर तैनात है और हरी ओम गिरी जितेंद्र का दलाल था जो रिश्वत की रकम का आदान प्रदान करता था।
प्रदेश में हर्ष फायरिंग और अवैध असलहों के साथ नवयुवकों के सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी इन मामलों में लगाम लगने की नौबत नहीं आ रही है। ताजा मामला हरदोई का है। हरदोई में एक युवक द्वारा रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कोतवाली शहर इलाके के पिहानी चुंगी का बताया जा रहा है। फायरिंग के दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस वीडियो की पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।